आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे हैं। जब कोर्ट मुझे आपको इंटेरोगेट करने का चार्ज देगा तब देखेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 241 मौतें या आपका ये ना बोलने का अधिकार। क्या राय है बाल्की की कास्ट को लेकर? क्या चुप होगी सनी की सबसे बेस्ट फिल्म? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट श्रीशम। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आर बाल्की ने सनी देओल, पूजा भट्ट, दालूकर, सलमान, श्रेया धनवंतरी के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और इस वीडियो से हम बात करने जा रहे हैं कि आर बाल्की ने इन एक्टर्स को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के बाद वेट करते करते मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। फिल्म की शूटिंग करने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और ऐसी स्टाइल पर फिल्म बनाना जिस पे मैंने कभी काम नहीं किया ये मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था और ये मुझे काफी ज्यादा एक्साइट भी कर रहा था। मेरे पास बहुत टाइम से ये आइडिया था कि मैं ये फिल्म बनाऊं लेकिन मैं राइटिंग स्किल्स पे काम नहीं कर पा रहा था। जैसे कि ये फंडामेंटली थ्रिलर फिल्म होने वाली है तो हमें इसके लिए काफी ज्यादा बजट इन्वेस्ट करना पड़ा था। इतने स्टनिंग परफॉर्मेंस को कास्ट करने के लिए और मैं वेट नहीं कर सकता कि कब दर्शक इसको देखे और ढेर सारा प्यार दे। दोस्तों, सबसे पहले आर बाल्की ने सनी देओल के साथ काम करने के बारे में बताते हुए कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि सनी के साथ काम करने को लेकर। वैसे एक्टर हैं जो जब भी स्क्रीन पे आते हैं धमाका कर देते हैं और बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज होती है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो वापस आ गए हैं और मैं होप करता हूँ कि उनका ये एडवेंचर उनके आगे करियर में एक खूबसूरत मौका लेकर आएगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो फिल्म है उनकी फिल्मोग्राफी में उनकी वन ऑफ द बेस्ट ग्लोरियस फिल्म हो। वहीं दालूकर सलमान को लेकर डायरेक्टर आर बाल्की का कहना है कि वो वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग एक्टर है इंडियन सिनेमा के। हालांकि उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा लेकिन वो ऐसा रोल निभाएंगी जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। उनके रोल के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, इस पॉइंट पे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं सच में आगे की सोच रहा हूँ और इस फिल्म को एकदम क्रूड और डिस्टिंक्ट रखना चाहता हूँ। श्रेया धनवंतरी के बारे में बात करते हुए आर बाल्की ने कहा कि मुझे पता था कि वो बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, वह वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एक्ट्रेस है और मैं बहुत खुश होऊंगा जब आप केमिस्ट्री देखेंगे श्रेया और दालूकर की। और इस बात से बाल्की ने ये तो रिवील कर दिया कि फिल्म में वो दोनों एक कपल के तौर पर नजर आएंगे। और आखिर में पूजा भट्ट के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि वो बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट वर्सटाइल एक्ट्रेस रह चुकी है और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है इस फिल्म के लिए और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उन्होंने मेरे इस फिल्म में काम किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही चटपटी और लेटेस्ट खबरों के साथ इसी चैनल पर। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।